मैं यही देख रहा हूँ सिस्टर कितनी बड़ी हो गई है ना। इसने बनाई है? हाँ ऐसी बात ना है, बुलाती है ठीक है। फोटो क्लिक होनी है, जल्दी आ जाइए सारे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम, जो बताता हूँ आप लोगों को। ये इम्पोर्टेंट काम दिख रहा हूँ ना, oh, no. ये है मेरा इम्पोर्टेंट काम, जो कि हर इंसान का, जहाँ तक मुझे लगता है, शादी के बाद का फिर भी यही इम्पोर्टेंट काम खुद का रहता है। किस लिए करते हैं हम शादी, किस लिए करते हैं? हमारी मौज होएगी, ये होएगा, वो होएगा, और फिर होता क्या है, ये होता है कि क्या पहनोगे क्या नहीं पहनोगे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? चलो खैर कोई नहीं, ये भी लाइफ का पार्ट है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मी को करना पड़ेगा। तो आप लोग भी बीवी से पंगे ना लें, और जो वो कह रही है ना चुपचाप कर लें बस। तो भाई चलो, शर्ट हो गई है मेरी प्रेस, और मुझे फटाफट से नहा धोकर रेडी होना है, और उसके बाद स्टूडियो भी जाना है, और जो इम्पोर्टेंट काम है सारे आज देखते हैं फटाफट, आज दिवाली का सेलिब्रेशन कैसे होता है। और विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली माई यूट्यूब फैमिली। आई नो कि ये व्लॉग आप लोगों को लेट मिलेगा, और ये महारानी देख लो। किटा ए किटो, निन्नी आई है तेरे को है? ओ, ओ, हाँ। आज सब पिंक हो गए, मम्मी ने भी पिंक पहना है। मम्मी ने तो पर्पल पहना है, इसको हमेशा मैचिंग का क्रेज रहता है। मम्मी ने क्या पहना है, पापा ने क्या पहना है, वही पहनना है, हमेशा यही क्रेज रहता है। जो अच्छा लग रहा है वो पहनो, जो मन कर रहा है ये पहन लो। इस पे क्या लिखा है आपको पर्पल दिखाते, इसमें लिखा है थैंकिंग। थैंकिंग नहीं होगा, थिंकिंग होगा। थिंकिंग हाँ। 36 हाँ। डिफरेंट इसका क्या मीनिंग हुआ? मतलब कि सोचना हाँ। और 36 अलग, मतलब 36 टाइप की डिफरेंट थिंकिंग। अरे ये रे बिस्किट किट्टू के, किट्टू के मिट्टू खाएगा, कौन खाएगा बेटा? रुक जा, खा ले बिस्किट तो खा ले, देना यहाँ डालने एक किटो, ले किटो बिस्किट, थोड़ा और अंदर थोड़ा और अंदर फेंको। अरे रुक जाओ अभी, इतनी देर में वो वहाँ वापस चली गई, इतनी देर में वहाँ तक। अरे यहाँ डालो ना, ले आप थोड़ा इसे फैलाने दो, कितने बिस्किट ले 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 रहो ले 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 हद नहीं कर दिया इसने। बॉय सॉब ओवर स्मार्ट किट्टू, ऊपर चले जाओ, काट लेगी ये, इसको अंदर कर दे, चल आ जा। बंद करो भगवान, कैसी हो गई है ये, अब खा रही है, अब मेरे बिस्किट तो खा लूं, लालच पूरा है ना। हाँ चलो अब चुपचाप एक एक करके खिसको जल्दी बाहर, ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहा है गाइस, अभी नीचे जाना था, क्योंकि नीचे है ना फूलों का ढेर लग रहा है, वहाँ जाके ये स्मेल करती, नहीं तो हम नीचे ही ले जाते इसको। भाई क्या नाटक करती है। ओके किचू बाय। और गाइस ये फूलों का ढेर लग रहा है, सुबह से माला बन रही है यहाँ पे, मम्मी बैठ के बना रही थी, ये देखो इतनी माला बन चुकी है। और ये हमारी घर की देवी है, ये पोहा लेके आ चुकी है, ब्रेकफास्ट में हमारे आज पोहा बना हुआ है, और किट्टू भोंक रही है ऊपर से। हाँ गाइस मैं यहाँ पे काम कर रहा था, और किट्टू पता नहीं कैसे आ गई, और गेट खोल के, कैसे गेट खोल लेती है तू है किट्टू, कैसे गेट खोल लेती है, कहाँ पर है तू, तो यहाँ सफाई कर रही है, वो महारानी गेट खोल के पता नहीं कैसे चली गई है। चली नहीं गई, वो आई थी किट्टू को, सृष्टि कब आई थी किट्टू कह रही हूँ, अभी आई थी कैची लेने के लिए वो सीधर, और वो चली गई। मैं आपका रंगोली बना रही हूँ, बात करनी है।
आपने बालकनी में रंगोली बना रही है और जब पूरी बन जाएगी ना तब दिखाऊंगा, इतने में कर रहा था एडिटिंग। तो गाइस फाइनली अब जाके मेरी एडिटिंग खत्म हुई है, व्लॉग मेरा एक्सपोर्ट हो रहा है और ये मेरा व्लॉग हो रहा है और ये मेरी धर्म पत्नी आई है अभी जस्ट खाना बना के। सिस्टी की रंगोली दिखाते हैं आपको, ये देख लो रंगोली सिस्टी की। एक और बना रही है इससे बड़ी। मैं यही देख रहा हूँ सिस्टी कितनी बड़ी हो गई है ना। इसने बनाई है? हाँ इसी ने बनाई है ये। तो गाइस मैं देखता हूँ अब अपना काम, मेरा काम क्या क्या है डेकोरेशन में, जो भी चीजें करनी है रूम के बाहर जो लगानी है फूलमाला, और अभी स्टूडियो भी जाना है और स्टूडियो में पूजा भी करके आऊंगा, वहाँ सामने अंकल आंटी को स्वीट्स भी देनी है, कल तो ससुराल तो दे आए थे, और जो काम करने वाले गाड़ी साफ करने वाले भैया या माली भैया उनको तो मैंने पहले स्वीट दे दी थी, और बस अभी का ये है। और नीचे हो गई डेकोरेशन वगैरह, गोपाल ने माला वगैरह कुछ मम्मी ने बनाई थी कुछ गोपाल ने बनाई, तो वो गेट वेट पे बाहर मंदिर में भी लगा दिया, तो वो भी दिखाता हूँ आपको, तो हो सकता है तो सिनेमेटिक शॉट्स दिखाता हूँ। चलो हैप्पी दिवाली। वो भाई दूसरी रंगोली भी बन गई है। सो गाइस यहाँ पर हमारे रूम में हो रही है डेकोरेशन। तो गाइस दिवाली के डेकोरेशन करते हुए बीच में लिया टी ब्रेक क्या, और यहाँ सब चाय पी रहे हैं टी ब्रेक ले रहे हैं। मेरी जींस को पसंद है। इधर रेनू डेकोरेशन कर रही है रंगोली बनाने के बाद, और रितु फूल वो माला बना रही है डेकोरेशन करने के लिए ना, पहली बार है, पहली बार बना रही है क्योंकि क्योंकि हमेशा काम कर रही है और भाभी चाय नाश्ता कर रही है। तो मत बोलो वरना इससे भी कमेंट आ जाएंगे मम्मी ये खा लगाऊंगी। हाँ नहीं कभी कभी तो छुट्टी मिलनी चाहिए यार, मेरे को भी बहुत मिलती है तो मैं भी सोचती चलो थोड़ा सा अपने हाथ डाल ऐसे ऐसे ढाटा में मिलते रहते हैं, कभी मिलते हैं ऐसे लोगों को लूट लिया करो भाभी इनके साथ। नहीं अपना काम करके बैठी हूँ किचन का। हाँ और मैं अपना काम दवाई करके बैठी हूँ, करके बैठी हूँ पर ये अरे दवाई करके बैठी हूँ खिला देना कभी कभी आड़े मारती है ऐसी बात ना है बुलाती है ठीक है माँ का घर का अंग कौन करता बताओ जरा। इससे पहले मेरे बच्चों ने बहुत काम करे तो भगवान जी मेरे को कह रहे हैं तू आराम से बैठ, बच्चों ने बहुत पापड़ ले लिया पापड़ ले लिया उपले थेपले थेपे थेपे उपले थेपे है, गाय का काम किया है, मंदिर सफाई करती थी, लड़का भी काम करती थी, बर्तन भी मांजती थी, खाना भी करना होता था, खाना भी फिर मम्मी बनाती थी बट हम चौना करना नहीं होता था बनाना होता था और चूल्हे में रोटी भी बनाते थे है ना, कभी इसकी ड्यूटी होती थी कभी मेरी ड्यूटी होती थी, हम ऐसे करते थे। हाँ सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कौन? और गाइस इधर की भी डेकोरेशन हो गई है बस इधर इधर से। तो गाइस शाम हो गई है और अभी हम जा रहे हैं ना स्टूडियो रेडी करने के लिए, वहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत पूजा मतलब थोड़ी बहुत डेकोरेशन करके पूजा करके और तब हम आते हैं वापस से, और यहाँ पर ऑलमोस्ट डेकोरेशन हो गई है, सब काम हो गया है, बस पूजा वूजा करके मतलब रेडी वेडी होके तब पूजा करनी है, रेडी होके मतलब हाथ मुंह धोके और अच्छे से पूजा करके फिर आकर फिर यहाँ पे चेंज कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं तो चेंज कर लूंगा ये चेंज नहीं कर पाएगी क्योंकि इसके कपड़े यहाँ पर ही अच्छे से रेडी हो पाएगी ढंग से। और सृष्टि चली गई अपनी रितु बुआ के साथ, वो उसके साथ ही रेडी होकर आ जाएगी, तो वहां से पूजा करके फिर रितु भी आ जाएगी घर पे, तो इतने हम चलते हैं स्टूडियो। तो गाइस फाइनली स्टूडियो पहुंच के पूजा कर ली है, साफ सफाई सब कुछ क्लीनिंग वगैरह करके पूजा कर ली, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, और मंदिर बहुत प्यारा सा सजा दिया थोड़ी सी देर में ही, ये देख लो भाई मंदिर देख लो हमारा मंदिर, हमारे लक्ष्मी गणेश जी उधर बैठे हुए सामने, और ये हमारी सरस्वती माता है, ये गाइस ये भी हमें गिफ्ट में मिला था सब्सक्राइबर ने दिया था, और दिखा दूं
ये देखो लक्ष्मी माता जी के पैर लगा दिए हैं इधर, और दिए इधर रख दिए, इधर रख दिया, और ये छोटू सा लैंप जलाया हुआ है, और क्लीनिंग देख लो बिल्कुल साफ सफाई, और एक दिया इधर है हमारे, और ये हमारा फाउंटेन चल रहा है। ये देखो ये भी हमारे सब्सक्राइबर ने दिया है सब लोग बोलेंगे सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर ने दिया है। और ये देखो दिए रखने शुरू हो गए हैं, और ये हमारी घर की देवी, और ये लग गई है माला। ये देखो फटाफट फटाफट सारे काम हो गए, और ये हमारी हैप्पी दिवाली हो गई है। ये बस लाइट की कमी थी, आ रहे हैं चलिए 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 चलिए, वाओ 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 वाओ, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, आशियाना आशियाना, हैप्पी दिवाली गाइस, आप सभी को, पूरे परिवार को, हमारे परिवार की तरफ से, इस YouTube परिवार को, इस YouTube फैमिली को बहुत सारी लग रहा है, क्योंकि थोड़ी तबीयत ऐसी ही है ना, इसीलिए तबीयत ऐसी है, और ये सुबह से काम 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 में ही है, त्योहारों में कितना काम होता है। हाँ। तो खैर कोई नहीं, इसी का नाम त्योहार है, तो चलो सभी एनर्जेटिक एनर्जेटिक होकर रेडी शेडी होकर मिलते हैं घर पर सीधा, चलो मस्ती मजाक वाली दिवाली के साथ। यस चल। फैमिली की तरफ से आप लोगों को अगेन हैप्पी दिवाली, और यहाँ पर तो भाई ब्लास्ट ही ब्लास्ट हो रहे हैं बाहर देख लो, एक पटाखा मेरे सामने और बाकी पटाखे छूट रहे हैं ये देखो बाहर, और ये मच्छरों का भी आज एंड होने वाला है, ये मच्छर जो उड़ रहे हैं क्या करना है, भर गए ये तो, लाइट बंद कर दे यहाँ की। तो गाइज अभी हमारा डिनर हो रहा है 11:30 बजे रात को, फाइनली दिवाली सेलिब्रेशन के बाद, पटाखे वटाखे छुड़ाने के बाद, फोटो शूट के बाद, छोले और चावल, छोले और चावल, छोले चावल, छोले चावल, और इधर छोले चावल, छोले चावल, छोले चावल, ये देने वाली छोले चावल कितने रुपए पर प्लेट, सॉरी पर प्लेट कितने रुपए, दिवाली पे मेरी तरफ से फ्री, थैंक यू सो मच क्या क्या पर प्लेट
ये मम्मी ने बनाए हैं है मम्मी, और खाली पेट दवाई लेना भूल गई मम्मी। इसको हैप्पी दिवाली बोल दो। हाँ इसको हाथ जुड़वा क्या पहले इसका। चलिए 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 आ जाइए फोटो क्लिक होनी है, जल्दी आ जाइए सारे। क्या उतार दे भाई बहन, गंदा लग रहा है। इको भी उतार दे आज ही ठीक है तो पतलू बन जाए। ऐसे ही आ जा, अरे इसे मत लगा, ऐसे ही ठीक लग रही है। अरे मत लगाना इसको, अच्छा ठीक है। नहीं ऐसा नहीं लग रही, उतार दे उसको, यहाँ बैठ जा। अच्छी नहीं लग रही क्या? ऐसा नहीं लग रहा है, बेकार लग रहा है एकदम। उतार दे, क्या फोटो के फोटो भी तो अच्छी आएगी। ये सुनता नहीं, उतारो हम इसी क्या, ऐसे ठीक है। तो गाइस फैमिली पिक्चर क्लिक करनी थी और इसके लिए सारे इकट्ठे हुए थे। तो फैमिली पिक्चर क्लिक हो चुकी है, गोपाल आ चुका है वीडियो में। नहीं आया अब तो आ गया। तो गाइस फाइनली दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुई, सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, भागम भाग में भी काम किया। और मतलब ये चीजें है ना, मैं आज ये ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे हम स्टूडियो जा रहे थे और स्टूडियो से वापस आ रहे थे, तो ये सोच रहा था हर समय है ना एक जैसा टाइम नहीं होता। आज मैं और ये यही बात कर रहे थे, आज से 10 साल बाद 15-20 साल बाद क्या और लाइफ रहेगी, कब क्या होगा, मतलब क्या क्या चीजें चेंजेस होंगे। और जो आज का टाइम है उसमें हम जितना इंजॉय कर लेना वो चीजें उतनी ही बेहतर होती हैं, क्योंकि बीता हुआ टाइम वापस कभी नहीं आता। जिस टाइम को जैसे अच्छे से इंजॉय कर लिया जाए तो वही ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब कई बार होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती या हमारा मन नहीं लग रहा होता कुछ चीज़ें, तो पर हमें इंजॉय करना चाहिए हर एक चीज़ को। और फाइनली टचवुड मेरी फैमिली को कभी किसी की नज़र ना लगे, सब ने अच्छे से इंजॉय किया। और सारे मोमेंट मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल था सब, ऑब्वियस है, दिवाली सेलिब्रेशन, पूजा करनी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, तो वीडियो शूट मैंने कम किया, मतलब मोमेंट्स कम कैप्चर किए। जो सिनेमेटिक शॉट्स थे वो मैं ज़्यादा कोशिश की कि मैं ले पाऊँ। और इसकी तबीयत थोड़ी सी ऐसी है तो इसलिए मैं थोड़ा सा काढ़ा बना के लेके आया हूँ, अदरक और गुड़ का, जिससे कि इसको आराम मिले, थक गई है। और मुझे सुबह उठ के जल्दी भागना है और 1:15 हो चुका है अभी टाइम। तो होप आप लोगों ने भी दिवाली को अच्छे से इंजॉय किया होगा अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ। कभी कभार कुछ फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी होती है तो उसको कभी अवॉइड करना, कभी भी अपनी फैमिली के आड़े मतलब कि इमोशंस में नहीं आनी चाहिए। चाहे जैसे भी हो, अच्छे से फेस्टिवल को अच्छे से इंजॉय करो, चाहे जो भी कंडीशन हो, कभी भी किस चीज़ के लिए शिकायत मत करो। भगवान अपने आप टाइम के मुताबिक सब कुछ दे देंगे। कोसो मत अपनी ज़िंदगी को कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसे क्यों दिया। वो होता है कुछ बेहतर के लिए होता है, कुछ बेहतर करने के लिए, उस चीज़ का एक्सपीरियंस करने के लिए, वो स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि आगे उससे बड़ा ना झेलो, मतलब टाइम से ही समझ जाओ, तो उस चीज़ के लिए वो चीज़ें की जाती है। आज इसकी ओर है ना मेरी 2 बार बचते बचते रह गई है, 2 बार अच्छा मूड खराब हो जाता, 2 बार बच गई है बचते। इसीलिए अब मैं मतलब हावी नहीं होने देता माइंड पे। कई बार होता है कि चलो कोई बात नहीं, फेस्टिवल है, कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती टकरा जाती है, लेकिन फिर भी इंजॉय करते हैं। कोई बात नहीं, इंजॉय करना चाहिए। राक्षस और देवता है ना एक साथ। ओहो, देवता और राक्षस के गण है ना, इसीलिए। तो चलो बाय, लव यू, टेक केयर। होप आप लोगों ने हमारे ब्लॉग को, हमारी दिवाली सेलिब्रेशन को इंजॉय किया होगा। इंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। क्या कितनी अदरक डाल दी इसमें, तभी तो वो काढ़ा है अदरक और गुड़ का। मम्मी भी पिएगी ना, मम्मी भी नहीं पी पाएगी। मम्मी तो वैसे ही कम पीती है अदरक। मम्मी, रेनू, सबको। रेनू तो पी लेगी, रेनू को तो इतनी और डाल के दे देते। कोई बात नहीं, मम्मी कह रही थोड़ी गले के तौर पे खांसी हो रही है ना, इस वजह से मम्मी को भी। तो चलो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।